हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस लड्डू की रेसिपी, जिसे आप किसी भी त्यौहार के लिए, मेहमानों के आने पर या फिर जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तब आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो आज हम लौकी के लड्डू बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लड्डू है ये। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही नए नए रेसिपीज सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर भी आपको क्लिक करना है, ताकि जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो खत्म होने से पहले रेसिपी को एक लाइक भी कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा इस रेसिपी के लिए कमेंट भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलिए पहले मैं आपको इन लड्डुओं का टेक्सचर दिखा देती हूँ। बिना मावा और बिना घी के बने ये जो लौकी के लड्डू हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होते हैं और एकदम लच्छेदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अक्सर जब हम लौकी के लड्डू बनाते हैं तो वो चिपचिपे हो जाते हैं और ऐसा फीलिंग आता है इन्हें खाते समय जैसे कि हम लौकी का हलवा ही खा रहे हैं। तो इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर वाले, बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू घर पर कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में सभी टिप्स और ट्रिक्स मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सो गाइज, इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के कद्दू यानी के लौकी ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हमें इसे कद्दूकस करना है। तो दो तरीकों से मैं आपको इसे कद्दूकस करना दिखाऊंगी। एक तो इस तरह से इसके टुकड़े करके जो बीच में पार्ट होता है इसका सॉफ्ट सा, उसे हमें रिमूव करना है। तो इस तरह से पूरे टुकड़े करके इसके अंदर का जो पार्ट है इसे मैं रिमूव कर देती हूँ और ग्रेटर का यूज करके अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर मैंने साइड में जो दूसरा कद्दू है उसे ऊपर की जो स्किन है उसे पिल ऑफ कर दिया है और डायरेक्टली इसके दो पार्ट करके भी हम इसे कद्दूकस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से कद्दूकस करेंगे या फिर ये जो लौकी है जिसे मैंने पिल ऑफ करके रखा है इसके करेंगे दो पार्ट इस तरह से। और अब हमें इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे ही कद्दूकस करना है। बीच में जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जिसमें बीज होते हैं उसे हमें रिमूव कर देना है। तो इस तरह से घुमा घुमा के पूरी ओर से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। सो लीजिए गाइस, हमने दोनों लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस कद्दूकस की हुई लौकी को हमें इस तरह से निचोड़कर इसमें से जो पूरा पानी है उसे निकाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू हैं बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम इस कद्दूकस की हुई लौकी को भूनते हैं तो पानी रिलीज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो लड्डू जो है बहुत ही चिपचिपे बनते हैं, जैसे कि हम इसका हलवा ही बना रहे हैं। और आप चाहे तो इस जूस को पी भी सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और अब पूरी कद्दूकस की हुई लौकी इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लड्डू बनाने के लिए ना ही तो घी का यूज़ कर रहे हैं ना ही तो मावे का, लेकिन इन दोनों चीज़ों का काम करने वाला एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो है घर की निकली हुई फ्रेश मलाई। और अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो एक टेबलस्पून आप इसमें घी यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग मैंने हाफ कप फ्रेश मलाई ली है, इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो मलाई है इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और अब इसके ऊपर रखना है लीड और इसे 10 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पर हमें कुक होने देना है, जब तक कि लौकी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बीच बीच में हमें दो तीन बार इसे चलाते हुए फिर से लीड रखना है। सो देखिए, जो लौकी है अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं और हमने इसमें से जो पूरा पानी निचोड़ लिया था उसकी वजह से जो मिश्रण है बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें जस्ट थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करना है, ताकि हमारे जो लड्डू हैं बिल्कुल हलवाई जैसे, जैसे कि स्वीट मार्ट में मिलते हैं ऐसे ही रेडीमेड लड्डू जैसे दिखेंगे। लेकिन ग्रीन फूड कलर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, वरना इसे बिना ऐड करे भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं।
तो कलर मैंने इसमें अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करनी है 1/4 कप चीनी। तो आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगेगी इसमें एक लिक्विड क्रिएट हो जाएगा। तो हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि ये जो मिश्रण है ड्राई ना हो जाए। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके इन लड्डुओं को बनाते हैं तो आप कम से कम 15 दिन तक भी इन लड्डुओं को बनाकर फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। तो देखिए अब जो मिश्रण है काफी ड्राई सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर मैं लगभग 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यूज कर रही हूँ, मतलब नारियल का बुरादा। इसे अच्छे से मिक्सअप करेंगे और अब आप भी देख सकते हैं कि ये जो मिश्रण है काफी ड्राई हो गया है और हमने इसमें बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है, लेकिन जो मलाई हमने यूज की थी वो थोड़ा सा घी छोड़ने लग जाती है। तो देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हमें ठंडा होने के लिए रखना है। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, बाद में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं। सो लीजिए गाइस, हमारा जो मिश्रण है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, लेकिन लड्डू बनाने के लिए अभी भी रेडी नहीं है क्योंकि एक जरूरी इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना बाकी है। तो मैंने यहाँ पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और अब हमें इसमें ऐड करना है जो बहुत ज़रूरी है लड्डू ड्राई होने के लिए, वो है मिल्क पाउडर। तो लगभग मैंने 1/2 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर ली है। थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लेते हैं। अब देखिए गाइज, आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके जो लड्डू हैं अच्छे से ड्राई हो जाएं, बिल्कुल भी हलवे जैसे चिपचिपे ना बने। इसके लिए क्या करना है कि एक तो इसमें मिल्क पाउडर ऐड करनी बहुत ज़रूरी है और वो भी लास्ट में ही ऐड करनी है जब आपका मिश्रण अच्छे से ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप इस मिश्रण को गैस पर चलाते हैं तो इसे अच्छी तरह से पूरा लिक्विड ड्राई हो जाने तक इसे चलाना है ताकि इसमें अगर बिल्कुल भी लिक्विड नहीं रहेगा तो आपके लड्डू अच्छे से ड्राई बनेंगे। अब पूरी मिल्क पाउडर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्सअप कर लेते हैं। सो लीजिए गाइज, यहाँ पर आपका मिश्रण लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक ही हाथ से बहुत ही इजीली मन चाहे आकार में छोटे या बड़े लड्डू आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, देखिए। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, इन लड्डुओं को बनाने के तुरंत बाद भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन लड्डुओं को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो जो है अभी आपको स्किप छोड़ नहीं देना है क्योंकि अभी भी एक स्टेप हमारी बाकी है। तो पहले हम इन सभी लड्डुओं को प्रिपेयर कर लेते हैं, बाद में मैं आपको लास्ट वाली स्टेप भी दिखा देती हूँ। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज की लौकी के लड्डू की डिलीशियस रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले प्लीज़ इस रेसिपी के लिए लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन पर भी आपको क्लिक करना नहीं भूलना है। सो दिखिए गाइज, यहाँ पर हमने सभी लड्डू प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है जिसके अंदर हमें इन लड्डुओं को इस तरह से डस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, लड्डू दिखने में भी और भी ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे और नारियल का जो बुरादा होता है ये नमी को सोख लेता है। तो लड्डुओं के ऊपर हल्की सी जो चिपचिपाहट है वो भी इसकी वजह से दूर हो जाएगी। सो देखिए लड्डू कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो इन लड्डुओं को आने वाली दिवाली के लिए या किसी भी त्यौहार के लिए ज़रूर ट्राई करिए। आपके अनुभव मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। सो गाइज, मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई नई परफेक्ट रेसिपी के साथ। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।